नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर ज्योतिर्ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम भी होता है जिसमें हम मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के ऊपर भविष्य फल का कार्यक्रम करते हैं। हमारे सारे कार्यक्रम लग्न आधारित होते हैं क्योंकि लग्न आधारित होने से रत्न मंत्र पूजा दान इत्यादि सारे उपाय सटीक बैठते हैं। आप हमारे नवग्रह मंथन चैनल को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें तथा अपने कमेंट्स इस पे दें। अब मैं कन्या लग्न के लिए वार्षिक भविष्य फल क्या होने जा रहा है ये बात करने जा रहा हूँ। 2024 के लिए आपका कन्या लग्न है या नहीं इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 6 नंबर कन्या अथवा वर्गो लिखा तो आपकी बात हो रही है, या आपका नाम कक्ष में से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम कक्ष? टो पा पी पू शा णा ठा पे पो। सबसे पहले कन्या लग्न में स्वास्थ्य की बात करें। कन्या लग्न में प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। नसों, त्वचा, पेट, मधुमेह, पाचन क्रिया, कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं 2024 के पहले 4 माह में। नेत्र नजला अस्थमा भी होने से की संभावना कन्या लग्न में रहती है। वर्ष 2024 में एलर्जी, सांस की तकलीफ, पेट में कीड़े क्योंकि लग्न में रहा हुआ है, साधारणतः ये समस्याएं हो सकती हैं। 30 अप्रैल तक पीठ, घुटनों की मांसपेशियों तथा हृदय रोगियों को सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में मधुमेह, नेत्र, गुर्दे, हार्मोन्स, थायराइड, पैरों और जांघों की समस्या से जूझना पड़ सकता है। 21 फरवरी से 9 अप्रैल तक विशेष रूप से स्वास्थ्य सावधानी आवश्यक होगी। 22 अप्रैल से 12 जुलाई में रक्तचाप, मांसपेशियों, दुर्घटना की संभावना बन सकती है। 20 जुलाई से 22 अगस्त, 4 से 23 सितंबर में स्वास्थ्य नरम रह सकता है। 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में थोड़ी सी दुर्घटना संभावना या मांसपेशियों में तकलीफ का समय होगा। मधुमेह, गुर्दे की सावधानी 1 जनवरी हो सकती है, आवश्यक होगी 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में। 1 जनवरी से 7 जुलाई, 20 जुलाई से 22 अगस्त, 4 से 23 सितंबर में गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी शुभ रहेगी। इन्हीं तारीखों में 60 वर्ष से पहले या जो लोग पहले से गंभीर बीमारियों से चले आ रहे हैं उनको भी सावधानी रखनी आवश्यक होगी, 60+ या जो बीमार हैं। धर्म, भाग्य, रिश्ते तथा शिक्षा 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य तथा मन स्थिर रह सकता है, अतः कर्म कांड धर्म में मन शायद ना लगे। इस समय भाग्य अधिक सहायक नहीं होगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में धर्म कर्म किसी भी चीज़ में मन नहीं रहेगा, धर्म कर्म कांड में मन नहीं रहेगा तथा भाग्य भी साधारण रहेगा। कर्म और भाग्य का संतुलन बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक होगा, कर्म को प्रबलता देनी पड़ेगी। 20 मई से 7 जुलाई तक भाग्य कर्म का संतुलन, भाग्य की सहायता संतुलन बनाने हेतु भाग्य की सहायता मिलती रहेगी। 20 मई से 7 जुलाई तक भाग्य और कर्म के संतुलन से भाग्य की सहायता मिलती रहेगी। 24 अप्रैल से 7 जुलाई शुक्रास्त होने से धर्म कर्म कांड सारे ही शुभ संस्कार वर्जित रहने से वर्जित रहेंगे, इसलिए इनसे आप थोड़ा परहेज भी करेंगे और भाग्य भी औसत दर्जे का रहेगा। 8 जुलाई से 13 अक्टूबर तथा 7 नवंबर से 31 दिसंबर में कर्म कांड भाग्य हेतु समय उत्तम रहेगा। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में धर्म कर्म कांड में बाधाएं रहेंगी और धार्मिक यात्राओं में भी थोड़ी बाधा रहेगी। शिक्षा हेतु 30 अप्रैल तक समय
विदेश में शुभ रहेगा, अपने देश में विपरीत रह सकता है। इसके अतिरिक्त 25 अप्रैल से 19 मई, 1 अगस्त से 24 अगस्त विदेश में शिक्षा हेतु उत्तम समय रहेगा। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में शिक्षा हेतु भाग्य सहायक रहेगा, प्रबल सहायक रहेगा। इससे पहले के समय में जो है उसकी तुलना में ये ज़्यादा प्रबल रहेगा। 30 अप्रैल से पहले का जो समय है उसकी तुलना में प्रबल रहेगा। अप्रैल तक के समय में यानी पहली जनवरी से 30 अप्रैल में अर्थशास्त्र, MBA, लॉ, होटल व्यवसाय, इतिहास, CA जैसी पढ़ाई में समय साधारण से कम फल दे सकता है। इन महीनों में जो आप एक्सपेक्ट हैं उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम रिजल्ट आपको दे सकता है। 6 फरवरी से 15 मार्च, 13 जुलाई से 31 दिसंबर में रसायन, चिकित्सा, फार्मा, फिजियोथेरेपी, खेलों से जुड़ी पढ़ाई इत्यादि में समय उत्तम रहेगा। कंप्यूटर, कपड़ा, कागज़, मीडिया, साहित्य, संगीत, कला, फैशन डिजाइनिंग, धर्म की पढ़ाई, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी शिक्षा हेतु ज़्यादातर समय परीक्षा फल शुभ रहेंगे। प्रेम, रिश्ते तथा विवाह, 30 अप्रैल तक प्रेम दाम्पत्य संबंधों में समय अशांत रह सकता है। इस समय में प्रेम संबंधों में धोखा तथा दाम्पत्य संबंधों में तनाव रह सकता है। गलत दशा अथवा साठ से साढ़े सत इत्यादि चलने पर तलाक या अलग होने की संभावना बन सकती है। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में विवाह प्रेम संबंध ज़्यादा शुभ रह सकते हैं। केवल 24 अप्रैल से 7 जुलाई शुक्रास्त के समय में दाम्पत्य संबंधों में निराशा अथवा ठंडापन रह सकता है। प्रेम संबंध इसी समय में निर्मल रह सकते हैं। इस समय में विवाह, सगाई, शुभ संस्कार वर्जित रहेंगे, परंतु कुंडली मिलान हर हालत में आवश्यक होगा। 1 जनवरी से 5 फरवरी, 24 अप्रैल से 12 जुलाई में मांगलिक समय चल रहा होगा। इस समय दाम्पत्य संबंधों में बड़ा तनाव चल सकता है। यदि आप मांगलिक नहीं है तो तनाव ज़्यादा चल सकता है, परंतु मांगलिक हैं यदि और विवाह हो चुका हो तो ये कम तनावपूर्ण होगा। इन्हीं तारीखों में मांगलिक जातकों को कुंडली मिलान आवश्यक होगा यदि विवाह करना हो। बाकी जो समय मांगलिक तारीखों के अतिरिक्त प्रेम दाम्पत्य संबंधों हेतु शुभ समय रहेगा। पूरे वर्ष माता पिता तथा कार्यस्थल पर संबंधों को सावधानी से निवाह करना होगा। उपाय, पन्ना, पीला पुखराज तथा हीरा या सफ़ेद पुखराज में से कोई एक लाभकारी रहेंगे। शेयर मार्केट या चमड़े लकड़ी के व्यवसाय के लिए लहसुनिया धारण कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक गुरु बीज मंत्र और गुरु के दान कर सकते हैं। गुरु बीज मंत्र इस प्रकार हैं, ओम ग्रां ग्रीं गुरु सा गुरुवे नमः। 30 अप्रैल उपरांत केतु, शनि, सूर्य, मंगल के दान पूरे वर्ष कर सकते हैं शनिवार के दिन। 30 अप्रैल उपरांत गुरु बीज मंत्र, गायत्री मंत्र करते रहें। 24 अप्रैल से 7 जुलाई तथा 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में चीनी, साबुत, मूंग, चावल, सफ़ेद वस्त्र का दान तथा गाय को रोटी दें। पूरे वर्ष गायत्री, विष्णु सहस्त्रनाम, कृष्ण मंत्र का जाप जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभकारी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।